पुलिस अधीक्षक की पहल पर हर गरीब बच्चे के चेहरे पर दिखी मुस्कान। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के आदेश पर पुलिसकर्मियों ने गरीबों के बीच मनाया दीपावली का त्यौहार। कपड़े और पटाखे पाकर गरीब बच्चों के चेहरे पर दिखी मुस्कान। बच्चों ने पुलिस अधिकारियों के साथ मनाया त्यौहार। पुलिस अधीक्षक ने अनाथ आश्रम पहुंचकर बच्चों के साथ मनाया दीपावली का त्यौहार। पुलिस अधीक्षक ने बच्चों में कपड़े पटाखे और मिठाई बांटी। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की पहल की चारों ओर हो रही सराहना। पुलिस अधीक्षक की पहल पर हर गरीब बच्चे के चेहरे पर दिखी मुस्कान। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के आदेश पर पुलिसकर्मियों ने गरीबों के बीच मनाया दीपावली का त्यौहार। कपड़े और पटाखे पाकर गरीब बच्चों के चेहरे पर दिखी मुस्कान। सीओ सिटी, अपर पुलिस अधीक्षक सहित शहर कोतवाल व चौकी इंचार्ज रहे मौजूद। आज किस तरह छोटे छोटे बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है? आज दीपावली के इस शुभ अवसर पे हमने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से ये प्रयास किया कि दिवाली के दिन हमारी खुशी में जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी वजह से संसाधनों की कमी की वजह से गरीबी की वजह से दिवाली का त्यौहार नहीं मना पाते उन सबको अपनी खुशी में शरीक करने का आज ये मौका मिला हम लोगों को। और इसी क्रम में पहले हम लोगों ने वो जो वृद्धाश्रम था वहाँ हमने पता किया था तो पता चला कि वहाँ जो भी वृद्ध पुरुष और महिलाएँ रहते हैं उनके मनोरंजन का कोई सामान नहीं है। हमने उनसे पूछा, उन्होंने एक टीवी की डिमांड की तो आज उनके यहाँ हमने एक टीवी इंस्टॉल कराया है और डिश का उसमें प्रबंध कराया है। उसके बाद हमारा पूरा पुलिस परिवार यहाँ आज इस बाल गृह में आया है जहाँ पर भी बच्चियों को हम लोगों ने मिठाइयाँ और स्वीट्स बांटे हैं, उनको मोमबत्तियाँ और दिए भी दिए हैं ताकि वो रात को उसको जला करके अपना घर रोशन कर सकें। और यहाँ आज बच्चों को भी आप कुछ आतिशबाजी का सामान भी उनको दिया गया है और इस सारे क्रम से बच्चों के अंदर बहुत खुशी है और उनकी खुशी में ही हम लोग की खुशी है। हम अपने संसाधनों को एंजॉय करें और कोई गरीब बच्चा उससे रह जाए ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का भी की भी यही मंशा थी और उसी के क्रम में हम लोगों ने आकर के आज ये प्रयास किया है कि इन बच्चों की दिवाली बहुत अच्छे ढंग से मनाएं।